सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज से हम शुरू कर रहे हैं मरम पॉइंट पैरों के ऊपर, हमारी लेग्स के ऊपर, पूरी टांगों के ऊपर हमारे कितने मरम पॉइंट हैं? 11। जैसे हाथ में 11 थे, दोनों हाथों में 22 हो गए, ऐसे ही हमारी एक टांग के अंदर 11 पॉइंट लेफ्ट में, 11 पॉइंट राइट में है, टोटल हो गए 22। सेम लोकेशन है, सब कुछ सेम है, तो हम एक पैर की करेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरे पैर की भी होगी। सबसे पहले हम साथ में थोड़ा थोड़ा मैं आपको रिवीजन भी कराता जाऊंगा, जो पॉइंट आपको बताऊंगा वो हाथ में कहाँ पे है वो भी बताता जाऊंगा, उससे आपको रिवाइज हो जाएगा और पॉइंट्स की लोकेशन याद हो जाएगी। नाम भले याद ना हो अगर लोकेशन तो पक्का याद हो जाएगी। सबसे पहले हमने बात की थी शिपर मरम की। शिपर मरम हमारे हाथ में दोनों उंगलियों के बीच में, थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में यहाँ होता है। ऐसे ही पैर में भी हमारा थंब और इंडेक्स फिंगर जो है उसके दोनों के बीच ऊपर की साइड होता है। फोटोग्राफ आपको भेजी हुई है, आप उसमें देख लीजिए। आप पैर के ऊपर मैं सभी आपको पॉइंट एक ही दिन में बता दूंगा कि यहाँ यहाँ ये पॉइंट होते हैं, उसमें आपको याद रहेंगे। पैर की उंगली और ये हमारी इंडेक्स फिंगर उसके यहाँ पे होता है, ऊपर की साइड। दोनों पैरों में दो हो गए। अब आपने देखा होगा कि पुराने समय के अंदर या आजकल भी कुछ हमारे साधु संत खड़ाऊँ पहनते हैं, जो खड़ाऊँ में ऊपर एक लकड़ी की डंडी लगी होती है, बीच में अंगूठे और उस उंगली के बीच में आती, ऊपर से थोड़ा सा ऊपर लकड़ी लगाई होती है, वो मरम पॉइंट को हमेशा प्रेशर देती रहती है। इसको चरण पाद का भी कहते हैं और खड़ाऊ भी बोलते हैं। ये जो है हमारी चरण पादुका या खड़ाऊ किस लिए बनाई जाती थी कि जितने हमारे पुराने साधु संत थे वो अपना घर बार छोड़कर शादी नहीं करवाते थे, तो जो हमारे अंदर सेक्स की भूख है वो तो सबके अंदर ही है। जो भी इंसान पैदा हुआ है, जो भी जानवर है या कुछ भी जिसके अंदर जान है, इवन पेड़ पौधों में भी, वो भी बिना मेल फीमेल के आगे नहीं बढ़ते। तो सेक्स को कंट्रोल करने के लिए कि उनके अंदर ये भावना उत्तेजित ना हो, ये खड़ाऊ पहनते थे, ये शिपर मरम उसके लिए सबसे बेस्ट है। मगर हमने तो उसको कंट्रोल नहीं करना है, तो हमें जो शादीशुदा लोग हैं उनको ये खड़ाऊ नहीं पहनने चाहिए। ये उनके लिए थी कि उनको सेक्स के ऊपर कंट्रोल रहे और वो साधु ही बने रहे। अब इसके और क्या क्या फायदे हैं? पैरों में दर्द हो, किसी भी प्रकार का, टखने में दर्द हो, उसके लिए भी हम इस पॉइंट को ट्रीट करते हैं। और पीठ के नीचे वाले हिस्से में, लोअर बैक में, उसके लिए भी सबसे अच्छा पॉइंट है ये। शरीर के किसी भी हिस्से में अगर सूजन हो, सूजन की स्थिति में भी हम इस पॉइंट को ट्रीट करते हैं।
बाकी जितने हमारे मलम के आगे पॉइंट आएंगे 10 पॉइंट, उनके साथ भी इसको कम्बिनेशन किया जाता है, इसको भी दबाया जाता है, उससे हमें लाभ जो है ज़्यादा मिलता है। तो ये तो है हमारा शिपर मलम। इसका जो परिमाप है वो है आधी उंगली, ये हमारे दो हैं, दो हो गए हाथ में, दो हो गए हमारे पैर में, 4 मलम पॉइंट हो गए। तो इसको जब भी हमने कोई ट्रीटमेंट देना है, किसी की टांगों में दर्द है, घुटने में दर्द है, लोअर बैक में दर्द है, पैरों में दर्द है, या सूजन है, या हमने और भी कोई मलम पॉइंट डबाने हैं, तो शिपर मलम हमारे उसके साथ कम्बिनेशन होता है, उसके साथ मिलाकर हम इसको भी दबाते हैं। इससे हमें बहुत लाभ मिलते हैं। अब अगली वीडियो के अंदर मैं आपको जो जितने भी हमारे 11 मलम पॉइंट हैं लेग्स के, वो सारे एक ही बारे में बता दूंगा उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अभी आप इनके नाम, इनकी लोकेशन और इनके होने वाले फ़ायदे आप लिखते जाइए। कल फिर मुलाकात होगी एक नई तल हृदय के साथ, नए मरम पॉइंट के साथ। तब तक लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।